की सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे। डबल इंजन की सरकार बा, दिल पे हाथ रख के बोला जब तू लोग ब्लॉक जावेला थाना जावेला तो बिना चढ़ावेला कोनो काम होला। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। पहला चरण और युद्ध भीषण, नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई है, हर किसी ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन पहले चरण के लिए बिहार का जनादेश क्या होगा इसका फैसला खुद जनता जनार्दन करेगी। सिर्फ 3 घंटे का वक्त बचा है जब फर्स्ट फेज का आज का लास्ट शो खत्म हो जाएगा। 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां तेजस्वी ने ताबड़तोड़ रैलियां करके हवा का रुख जेडीयू की तरफ मोड़ने पर पूरी ताकत झोंक दी है। तो नीतीश के 8 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर होगी, लेकिन बिहार की जनता का मूड क्या है? इंडिया टीवी के रिपोर्टर हर विधानसभा सीट से एकदम सटीक ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना के डाक बंगला पर किसकी हवा में बह रही है, नीतीश चंद्र ने वोटर्स की नब्ज टटोली है, आप भी देखिए। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही घंटे में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होनी शुरू हो जाएंगी। हम इस वक्त पटना में हैं, पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं जिनमें 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है। जनता के मन में क्या है, जनता ने क्या मन बनाया है, हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। ये बताइए कि अब तो पहले चरण की वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो नहीं है। नहीं तो यहाँ तो भाजपा का सरकार है और भाजपा का यहाँ वोट भी है, भाजपा ही निकलेंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है सीएम नीतीश बने रह जाएंगे? बिल्कुल बने रहे। हाँ, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, बदलाव होगा या नीतीश कुमार है? बदलाव होगा सर। हाँ, शायद बदलाव होगा। तेजस्वी यादव बनेंगे? बहुत लोगों में गुस्सा है, बहुत चीज को लेकर के, स्टूडेंट लोग अपने मतलब नौकरी को लेकर के टेंशन में है। तेजस्वी ने कहा है 10 लाख नौकरियां देंगे, भरोसा है ना इस पर? भरोसा करेगा जनता शायद इस बार। पैसे कहाँ से लेंगे? नहीं, मौका तो जरूर देगा, बात पैसे की नहीं है, बात है अगर वैकेंसी निकलता है तो एग्जाम सही समय पे होना चाहिए। ने भी कहा कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। वो नौकरी नहीं है, फिर बात को थोड़ा समझना होगा कि नौकरी नहीं, रोजगार उत्पन्न करेंगे। उन्होंने क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार तो तेजस्वी सरकार, इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। हाँ, क्योंकि यूथ के लिए वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो 15 साल से देख चुके हैं हम लोग, वो बदलाव बहुत जरूरी है हमारे। तो एनडीए कह रही है कि जंगल राज था वो फिर से आ जाएगा। जंगल राज देखिए, पीछे बैक जो आपका रहा वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि यूथ की सरकार है अब क्या करने वाली है, उस पर डिपेंड करता है। बैक में क्या रहा नहीं रहा वो तो आप जानते हैं कि हाँ, क्योंकि जंगल राज था, क्या राज था, क्योंकि ये अब नए 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 सिरे से नेता आएंगे, फिर वो अपना ये देंगे ओपिनियन, लोगों से बात करते हैं। आप बताएंगे क्या लग रहा है इस वक्त? बदलाव तो खैर नहीं जरूरी है, ठीक ही है। नीतीश जी अगर हैं तो कानून व्यवस्था तो कम से कम ठीक है, और इनका कोई विकल्प भी तो नहीं दिखता है। अच्छा, कोई विकल्प नहीं है अभी? नहीं, नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां, अरे वो सब कहने से क्या हो जाएगा, नौकरी सिर्फ दे देने से थोड़े ना हो जाता, कहाँ से नौकरी लाएंगे। आपको लग रहा है कि इस बार आरजेडी सत्ता में आ जाएगी? आरजेडी आवेगी कि निर्दलीय आवेगा वो तो समय बता देगा। वो ये अभी नहीं तय लग रहा है, आपको लग रहा है कि कौन? नहीं, अभी किसी का नहीं। चिराग पासवान भी हो सकते हैं क्या? चिराग पासवान, चिराग बने चाहे तेजस्वी बने, यही दो गो के टक्कर में है, तीसरा कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसका जोर है यहाँ पे? ज्यादा तो हमको लग रहा है बीजेपी, जैसा आंकड़ा देखने में लग रहा है, चाहे कि उस तरह का माहौल है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये तो अब समय पर ही
आपको निर्भर करेगी। नीतीश कुमार ने आपको लगता है 15 सालों में जो काम किया है वो अच्छा है? चांस तो उनको मिलेगी। सर क्या होगा? वही सरकार बनेगा, दिया जलाओ, लालटेन जलाओ। अच्छा, लालटेन की सरकार। क्या वजह लग रही है इसकी? तेजस्वी यादव युवा हैं या उनकी 10 लाख की नौकरियों पर भरोसा है? मेन देखिए, नया आदमी है, नया आदमी को चांस देना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग पहले जो गलत करके गया है उसका भुगतान तो उसको मिल गया 15 बरस, मगर ये युवक नया है, काम करेगा। क्या नाम है आपका? MD आरजू। आपका क्या नाम है? अनिल पेंटर। पेंटर जी, बताइए कि इस बार अनिल पेंटर किसका रंग रोगन होगा, किसके लिए सबसे अच्छा होगा इस बार? देखिए, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। सच्चाई ये है कि जमीन पर धरातल पर कोई काम नहीं दिखता है, सिर्फ रोड और पुल में थोड़ी खाया गरीब। कोरोना में रिक्शा वाला, ठेला वाला, साइकिल वाला, सब्जी वाला, आम आदमी को इतना दिक्कत हुआ और ये नेता कोई झांके मारने विधायक नहीं आते। तो सरकार तो कहती है कोरोना में हमने 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार देखिए, राशन दिया मुफ्त में, कह रहे हैं बैंक में पैसा दिया। देखिए, NDA का मतलब नो डाटा अवेलेबल। तो सरकार के पास आज डाटा कहाँ से आ गया? अच्छा, BJP मैंने बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, तो कहाँ है? जनता पूछिए कि मैं पेंटर हूँ, हमारे अकाउंट में थे कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी कहती है कि हम वोट दिए थे, 15 लाख मिल बने गया, 1,000 रुपये भी नहीं मिला। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव बन जाएंगे? काला धन कहाँ गया जब कोई पता? कुछ नहीं, परिवर्तन बनेगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव नया रंग, नया रूप, नया जनरेशन। 5 साल काम नहीं करा, इनको भी हम लोग हटा देंगे। पर 15 साल किसी को न दे जनता। हर 5 साल पर सरकार बदलना चाहिए ताकि इन लोगों का घमंड चूर हो। लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है, ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? सरकार तो बना रहा है BJP है, सब जगह से ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो खाली अथी हो गया है, हम हो गया कि वो जीतेगा मन में सब सोच लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस आओ कुंचे, नीतीश कुमार फिर से बन जाएंगे, फिर से बनेगा वही। किसका 15 साल बेहतर रहा है, लालू यादव का या नीतीश कुमार? रहा तो किसी का नहीं बेहतर, उसमें किडनैपिए सब होता था, इसमें दाम पर कोई लगाम है ये नहीं है। आखिर कहीं वोट तो एक जगह देंगे ना, तो क्या कहेंगे, वोट किसको देंगे? अब देखा जाएगा इलेक्शन के टाइम मोमेंट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार कोई नए चेहरे की ही बनेगी। हाँ। इस बार किसी को नहीं, पुराने सरकार चेंज, इस बार नया सरकार ही बनेगा। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है विकास है, इसके कारण विकास की कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही है, सिर्फ भाषण है और कुछ नहीं। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि 15 साल मेरा उनसे बहुत अच्छा रहा। किसका 15 साल अच्छा रहा है? 15 साल नरेंद्र मोदी जी का अच्छा रहा, लेकिन इस बार नीतीश जी का कुछ ऐसा रहा नहीं। उन्होंने सिर्फ वादे किए लेकिन कोई काम नहीं किया। यहाँ पर एक कचौरी, सब्जी और जलेबी की दुकान है। सुबह सुबह बिहार में ये नाश्ता बहुत ही प्रचलित है। आप देखिए, कचौड़ी गर्म गर्म यहाँ पर तली जा रही है, जलेबी भी है और सब्जी भी है, लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये बताइए, नाश्ते के साथ साथ आपसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या मूड है जनता का? NDA की वापसी होगी या RJD की? देखिए, कोई पता नहीं चल रहा है कि किसका होगा सवाल, मिली जुली है, लेकिन BJP ही हम जदयू सरकार बनेगी। इंडिया सर, चिराग पासवान भी हैं, आपको लगता है ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? नहीं, चिराग पासवान कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वोट कट सकते हैं JDU का? हाँ, वोट तो कटवे करेंगे। तो BJP का ज़्यादा सीट आएगा। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है, काफ़ी व्यस्त चौराहा है और इस चौराहे से काफ़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। अभी रेड लाइट है और ऐसे में यहाँ जो लोग रुके हुए हैं उनसे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। ये बताइए, रेड लाइट पर आप हैं, इस बार जनता किसको रेड लाइट दिखाएगी चुनाव में? RJD। हाँ, RJD। अच्छा, यानी फिर से नीतीश कुमार? कन्फर्म। क्या वजह है? सब ठीक रहा है, विकास और क्या। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएंगे क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा, बिहार में बदलाव होगा या नीतीश कुमार फिर से? बदलाव होगा सर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, महिला वोटर किसके साथ, इधर पति उसके साथ या आप अलग बताएंगे? जो मोदी जी करे, जो अच्छे करते हैं। अच्छा, और नीतीश कुमार?
हाँ नीतीश कुमार भी अच्छा। नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद रहती है महिला वोटरों से, आपको लग रहा है महिलाओं के बीच उनका है क्रेज क्या? हाँ नीतीश कुमार अच्छे हैं, करेंगे अच्छा। तो पति कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे, पत्नी कह रही है नीतीश कुमार आएंगे, झगड़ा तो नहीं होता आप दोनों में? नहीं नहीं। नीतीश आप क्या? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। क्या वजह होगी इसकी? उसका एकमात्र वजह है मोदी, विकास बस। आपको लग रहा है मोदी जी का जादू चलेगा बिहार? बस 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 बस। एनडीए वाले कह रहे हैं कि 15 साल हमारा बेहतर है, जंगल राज फिर से आएगा, ये डर भी है मन में? एकदम डर है, निश्चित डर है, निश्चित रूप से डर है। लेकिन चिराग पासवान एक फैक्टर है, जेडीयू की सीटें कम होंगी तो ऐसा तो नहीं महागठबंधन? पासवान यदि साथ में रहते तो और बेहतर होता, सरकार बनाना मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है चुनाव में इस बार सरकार बन जाएगी एनडीए की या आरजेडी? या एनडीए की ही बनेगी, एनडीए की बनेगी जी। लेकिन चिराग फैक्टर एक है, नुकसान पहुँचाएंगे जेडीयू को? हाँ पहुँचाएंगे, लग रहा है एकदम लग रहा है। तो सरकार बनाना मुश्किल तो नहीं होगा? मुश्किल नहीं होगा लेकिन दिक्कत भी ज़्यादा नहीं रहेगा। पुश पोल अलायंस में भी कुछ बदलाव भी हो सकता है, नीतीश कुमार सीएम ना बने ऐसा भी हो सकता है? करेंगे एकदम, होना है होना है, कुछ बदलाव होना। आपका क्या नाम? शैलेश। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार, नीतीश या तेजस्वी? भाजपा लोजपा एक साथ, लास्ट में भाजपा लोजपा एक साथ हो जाएगी, जदयू जाएगी। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई वो सीएम नीतीश, सर वो अंडर प्रेशर, बिहार में सुशील मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो उनसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। आपको लग रहा है कि ये बाद में कैसे नेता है जो जिनको बाद में क्या लग रहा है कि बदलाव हो सकता है? 100% बदलाव होगी, जदयू जाएगी तेल लेने। आपको क्या लग रहा है जदयू या आरजेडी, एनडीए या आरजेडी? जदयू, जदयू। नीतीश कुमार का है अभी बॉस? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत एंटी इनकमेंसी है नारा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 10 लाख रोजगार का उनका ऊंचा है, वो कुछ नहीं, सब ढकोसला है। तो क्या नाम है? अमन। आपको क्या लग रहा है, अमन मुद्दा है बिहार में शांति? अमन शांति तो है, पहले से काफी अच्छा है माहौल है, जंगल राज खत्म हो चुका है। एनडीए फिर से? एनडीए। 10 लाख रोजगार की बात कही जी, 10 लाख रोजगार का मुद्दा चलेगा? हाँ चलेगा। ये राजद का नहीं, 19 लाख वाला चलेगा। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार, किसकी सरकार? सरकार तो नीतीश जी की आएगी। नीतीश जी की और किसकी? अच्छा, तो आरजेडी को तो बहुत उम्मीद है महागठबंधन को, किस बार बदलाव होगा, युवा चेहरा, 10 लाख नौकरी तो सबको रहता है सर। अच्छा। उम्मीद किसको नहीं है। अच्छा। 10 लाख रोजगार का कोई चलेगा नहीं आपको? 10 लाख का रोजगार, देखिए रोजगार तो 19 लाख करी, वो तो कहने का है सिर्फ। आपका क्या नाम है? कौशल कुमार। क्या होगा सरकार किसकी? सरकार तो जो बढ़िया काम करेगा उसी का। नीतीश या तेजस्वी? अभी तो वो जो चल रहा है वही है, वही चलता रहेगा। हाँ अच्छा, वही है, बढ़िया काम करेगा तो वही रहेगा। अच्छा, बीजेपी जेडीयू की चलेगी? हाँ क्यों नहीं। आपको क्या लग रहा है युवा चेहरा काम करेगा तेजस्वी यादव? नहीं 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 काम कर पाएगा। युवा किसके साथ? नीतीश कुमार के साथ है फिलहाल तो, काम उन्होंने ही किया है। उन्होंने तो गुंडागर्दी किया है आज तक, अभी तक अपने राज में। तेजस्वी कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिला, 10 लाख रोजगार देंगे पहले साइन। उन्होंने भी 10 लाख रोजगार के बारे में कहा तो बीजेपी ने तो 19 लाख रोजगार के बारे में दावा कर दिया। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। हाँ चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद असर अली नाम हमारा। अच्छा ये बताइए कि इस चुनाव में क्या होगा, आप तो बहुत करीब है, वोटिंग मन बना लिया होगा आपने? एक्चुअली मेरा मकान दरभंगा हुआ, मैं पटना से। फिर भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये दो बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, कौन बनेगा इस बार? तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। हाँ। लोग कह रहे हैं। अच्छा क्या बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, होना भी चाहिए। 15 साल लोगों ने देखा है नीतीश कुमार की सरकार को। तो एनडीए वाले कहते हैं 15 साल हमारा अच्छा था, वो तो जंगल राज था। अगर जंगल राज ये था अगर, तो लालू यादव नीतीश कुमार ने 2015 में अलायंस क्यों किया था लालू प्रसाद से? ये बात उस वक्त नीतीश कुमार को याद नहीं था। अगर अभी जो कह रहे हैं कि जंगल राज था अगर, तो नीतीश कुमार ने 15 में अलायंस क्यों किया था उससे? अभी आपने पटना के डाक बंगले से जनता की राय जानी, अब हम आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले पटना रेलवे स्टेशन के पास हमारी रिपोर्टर ज्योति मिश्रा पहुंची, उन्होंने वहां मौजूद पटना के लोगों से चुनाव पर बात की। पहले फेज के चुनाव प्रचार थमने से चंद घंटे पहले पटना वालों का मूड क्या है, खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार में पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आज शोर थम जाएगा, और ऐसे में नेताओं ने जी जान से अपनी कोशिश की कि वो वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करें, तमाम वादे किए गए, लेकिन बिहार की जनता का आखिरी ओपिनियन क्या है और बिहार के मूड में आखिर कब आ, जानने का ये फाइनल वक्त आ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं।
भैया चुनाव प्रचार अब खत्म होने को है, आज आखिरी दिन है। नेताओं ने बहुत कोशिश की, तमाम दलों ने युवाओं को, वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की। आप लोगों को अब क्या मूड नजर आ रहा है कि बिहार में कब आ? बिहार में अब की नीतीश कुमार बा, ज्यादा का बोली। आरजेडी ने भी बहुत कोशिश की, बीजेपी ने भी, जदयू ने भी, सबने अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए, सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए? सबसे ज्यादा प्रभावित बीजेपी के वादों से ही है, और आरजेडी का तो जो 15 साल का झटका है वो जल्दी भूला नहीं जाएगा। तो कौन से वादे आपको अच्छे लग रहे हैं, क्यों आप चुनेंगे नीतीश जी को? चुनने का कारण है, एक तो बोले हैं कि कोरोना का वैक्सीन बिहार में फ्री में देगा, जो बाकी स्टेट में लगभग 250 रुपये पर व्यक्ति का कुछ हिसाब किताब है, तो उसका बेनिफिट कुछ ना कुछ कहीं कुछ हद तक जाएगा। और बाकी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो गया, तो अगला पड़ाव उनका होगा रोजगार का। आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किससे इंप्रेस हुए आप? देखिए, हम ना बीजेपी से इंप्रेस हो रहे हैं, ना आरजेडी से इंप्रेस हो रहे हैं। हम लोग का जो युवा के लिए चाहिए, कोई नया आना चाहिए, जो कि नया आए और युवा का प्रॉब्लम समझे, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोई नया, मतलब बीजेपी है चाहे चाहे आरजेडी चाहे युवा को लाए। युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं, युवा तो चिराग पासवान भी हैं, युवा तो प्रिया पुष्पम चौधरी भी हैं, तो आपका नेता कौन होगा? तेजस्वी यादव युवा है, लेकिन उनका आरजेडी जो पार्टी है उसका इमेज अच्छा नहीं ना है बिहार में। जो 15 साल में वो किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं, इसके वजह से उनको आना बहुत मुश्किल होगा। कुछ और लोग हैं, आप लोग वोट देने जाते हैं जी? बिहार में इस बार कौन होगा? बिहार में देखिए कोई नया कोई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागीर हुआ, जागीर। तो कौन होगा नया नेता? अब ये तो पता नहीं मैंने। आपको नहीं पता है? आप वोट देने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार। सारे नेताओं ने अपने अपने वादे कर दिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आप लोग अब आखिरी दिन क्या देख रहे हैं कि कौन नेता चुनने वाले हैं? ये तो अभी मालूम नहीं, मतलब किसको वोट देंगे, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री अभी बतला नहीं सकते। नहीं बता सकते? चलिए भाई, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम विनय वर्मा हुआ। और ये बताइए कि बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए अब आज शोर थम जाएगा, बड़ी कोशिश नेताओं ने की, किसकी कोशिश सबसे अच्छी लगी? मुझे तो बदलाव नजर आ रहा है इस बार, और ज्यादा संभावना है इस बार सरकार बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। कौन आएगा? यही अभी यंग चेहरा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी का कौन सा वादा सबसे ज्यादा लुभा रहा है? ये अभी जो बेरोजगारी की मुद्दा है हमारे बिहार में, वो अभी तक किसी सरकार ने अभी उसको खत्म नहीं किया, ना पहल किया कभी खत्म करने का। तो बेरोजगारी मेन मुद्दा है। अभी जो कोरोना पीरियड है उसमें आप देख ही रहे हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर हो या जो भी है, सब अभी ठप हो गया, ठप सा हो गया है। किसके लहर है? आरजेडी का। आरजेडी का हाँ। काहे क्यों लहर है? क्यों लहर है? उसी का वोटे पड़ेगा, सीधा आरजेडी का वोटे पड़ेगा। हाँ, उसी का पड़ेगा, केएसपी को आना तो आना। यादव लोग उनको वोट देंगे या सब लोग देंगे? सब देंगे, सब जनता देंगे। कोरोना में जो रोड पर आ गए ना गरीब, वो भी उन्हीं को वोट देंगे। बिहार में सरकार तेजस्वी चाहिए, बाकी किसी का चाहिए। ये जो पलटू राम बैठे हुए, इसकी सब 96 में मेरिट किया हमने, रोड पर मजदूरी करते हैं, मेरा सर्टिफिकेट फाड़ के दिखाते हैं नीतीश कुमार, क्यों ना नौकरी उन्होंने दी है? ये जो आपका गुस्सा है भैया, तेजस्वी के आने से हो जाएगा मतदान? बिल्कुल होगा, मेरा नहीं होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर बदलेगा। वोट देते हैं बिहार में, मार खाते गुजरात में, ऐसी सरकार चाहिए। सरकार हमसे बात करे, हम जेल जाने तैयार है। तेजस्वी सरकार आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नया युवा सरकार आना चाहिए ना? जो वादे सबने अपने अपने मैनिफेस्टो में किए उसके आधार पे या कास्ट के आधार पे? नहीं, कास्ट के आधार पे नहीं, मतलब जो नया युवा आना चाहिए, ठीक है ना, चांस दे देना चाहिए सबको। बिहार में बोलते हैं बड़ा वोट बैंक यादव वोटर्स मुस्लिम वोटर्स का है, तो वो तेजस्वी जी को लाएंगे या जो युवा गुस्सा है आक्रोशित है वो लाएंगे? तेजस्वी जी को। तेजस्वी को लाएंगे। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी की सरकार बनेगी। आप वोट देने जाते हैं, वोट लेते हैं, वोट किसको देंगे? मेरी मर्जी किसको देंगे? जिसको भी दे, सरकार बदलेगी या नीतीश कुमार आएंगे, आपको क्या लग रहा है? नीतीश जाएगा पक्का, नीतीश जाएगा, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगा। जाएगा ही, पक्का जाएगा नीतीश कुमार। नाम क्या है जी? हमारा शंकर लाल नाम है। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि बिहार वाला बिहार वासी जान गया है कौन किस देश के लिए विकास कर सकता है, नहीं जाएगा कौन विकास देश के लिए कर सकता है, खास करके गरीब मजदूर
कमाने खाने वाला इंसान मारा गया। तेजस्वी यादव करेंगे विकास बिहार? वो बिल्कुल है, वो करेंगे, क्योंकि वो साल में वो नीतीश जी बोल रहे हैं कि लालू यादव ने तो किया नहीं। जो इंसान चोट खाता है उसी को दर्द होता है, तो चोट खा चुके हैं तो इस बार उसका दर्द हुआ, एहसास हुआ। मोदी जी नहीं है तेजस्वी को तो जरूर करेंगे। बिहार की जनता आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के थमने का दिन है, ऐसे में अपना मूड काफी हद तक तय कर चुकी है और जो तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि वो एक बार चोट खा चुके हैं और इसीलिए बेहतर दर्द समझेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। और क्यों वो अपना वोट किस दल को देंगे ये बात यहाँ पर स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। जल्द वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। आगे देखिए आज का वायरल में, फ्रांस की सड़क पर मजहबी घमासान, पेरिस में नमाज वर्सेस राष्ट्रगान।